बात करते हैं यहां पर टीम इंडिया के दिग्गज स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने रिटायरमेंट को लेकर खुलासा किया है। जी हां, आर अश्विन कब रिटायर होंगे, वो कब संन्यास लेंगे, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है क्योंकि 40 साल के आसपास उनकी एज हो गई है। और आखिर कब रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, इस बात का जवाब उन्होंने अपने YouTube चैनल पर दिया है। अश्विन ने कहा है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बार में केवल एक दिन के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको हर दिन अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। मैंने संन्यास का फैसला नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं सुधार नहीं करना चाहता, मैं इस खेल को छोड़ दूंगा। तो ये बड़ा बयान निकल कर सामने आया, और इसी तरीके का बयान रोहित शर्मा भी देते हुए नजर आए, विराट कोहली भी देते हुए नजर आए। उन्होंने यही बातें कही थी कि जिस दिन हमें लगेगा कि हमारी हंगर, हमारी भूख खत्म हो गई है क्रिकेट खेलने की, उस दिन हम क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और ऐसा ही कुछ बयान रविचंद्रन अश्विन भी देते हुए नजर आए हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अपने खेल में और सुधार नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन मैं क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल रिटायरमेंट के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के लिए टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान यानी कि नंबर एक पर मौजूद हैं। आर अश्विन इस एज में भी नंबर एक गेंदबाज हैं, इसीलिए शायद उनके रिटायरमेंट के बारे में ना तो वो खुद सोच रहे हैं और ना ही इंडियन क्रिकेट का कोई भी फैन उनके रिटायरमेंट के बारे में कोई बातें सोच रहा है। तो ये सारी चीजें आर अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पर खुलकर बयान भी दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, और जो तस्वीर है उसे एक तरीके से साफ कर दिया है कि मैं कब रिटायरमेंट लूंगा और कब रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करूंगा। फिलहाल एक दिन पर, जो दिन मैं प्रेजेंट में हूं, उस पर फोकस कर रहा हूं। तो रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर और उनके इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय इस पर दे सकते हैं।